प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा। संपर्क करें 9927087687। हिंदी पत्रकारों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा और उसी के साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई इसलिए मनाया जाता है कि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड करके एक हिंदी का पहला अखबार साप्ताहिक छपा था। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा कि कानपुर के निवासी थे लेकिन कलकत्ते में जाकर के उन्होंने 500 कॉपी छापी और जो मई में शुरू किया गया वो दिसंबर में 1826 में अखबार ही बंद करना पड़ा। लोकतंत्र चार खंभों पर टिका है, चौखंबा राज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, और इसके जिस खंभे में जरा भी घुन लग जाएगी तो लोकतंत्र का ये महल है या मंदिर है वो भरभरा के गिर पड़ेगा। मैं तो आपका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई बार आपके दिखाने पर बहुत गरीबों को न्याय मिल जाता है, पुलिस का वर्कआउट हो जाता है, बल्कि कई बार मीडिया ट्रायल से पीड़ित को बहुत न्याय मिलता है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। येलो जर्नलिज्म एक शब्द आया पीतर पत्रकारिता, तो कार्यपालिका के लिए भी आया है लाल फीताशाही, तो जस्टिस डिले शब्द आया है न्यायपालिका के लिए, और नेताओं के बारे में जैसा सुनते हो कभी लोग जो हैं पुलिस पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पर ही ज़्यादातर लिखते हैं तो हम लोगों की भी खूब आलोचना समालोचना होती, लेकिन मैं निजी तौर से आगरा की समस्त मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी मीडिया यहाँ पर, अगर कोई कर्मयोगी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा हो या पॉलिटिक्स में हो या अधिकारी कोई है, पॉपुलर है तो पॉपुलर बताते हैं और बेईमान है तो बेईमान बताते हैं, नेता काम करता है तो दिखाया जाता है और नहीं करता है तो नहीं दिखाया जाता है। इसलिए और यही पाठक चाहता है कि निष्पक्ष और निर्भीक समाचार चाहे टीवी के माध्यम से चाहे प्रिंट के माध्यम से उसको उसके घर पर मिलना चाहिए, इसी बात के वो पैसे देता है कि उसको निष्पक्ष और निर्भीक समाचार ज्यों का त्यों मिलना चाहिए। मैं पुनः एक बार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर और हम सारे पत्रकारों को का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना वॉरियर असली आप हैं, पुलिस भी है, हेल्थ वाले भी हैं, आप भी हैं, लेकिन पुलिस वालों का प्रभार बहुत सुरक्षित है, भगवान न करे उन्हें कुछ हो तो बीमा फंड और मृतक आश्रित की नौकरी है, चिकित्सकों के साथ अगर कुछ होता है तो उनके पास फंड, पेंशन, बीमा और एक मृतक आश्रित में नौकरी है, लेकिन आप लोगों के साथ भगवान न करे कुछ होता है तो आपका भविष्य बहुत असुरक्षित है। इसलिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि असली कोरोना योद्धा हमारा हर पत्रकार और छायाकार है, क्योंकि अगर क्वारंटीन की बदहाली आपको दिख रही है तो ये मौके पर गए हैं, हॉटस्पॉट आपने देखा है तो ये मौके पर गए हैं, डेथ बॉडी आपने अगर देखी है तो ये मौके पर गए हैं, अच्छा काम हुआ है तो ये मौके पर गए हैं, वहाँ पर बदहाली है तो आप तभी देख पाते हैं जब ये जीरो ग्राउंड पे जाते हैं, तो महामारी के समय, वैश्विक महामारी के समय जब बिल्कुल नहीं निकलना है, ऐसे में जीरो ग्राउंड पर जाकर के पत्रकारिता करना, इससे बड़ा और कोई पुरुषार्थ और बड़ा काम हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, मैं सारे हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके निष्पक्ष और निर्भीक समाचार हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799।